वेलकम बैक टू माय चैनल विभाति क्रिएशन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे हों, घर में हैप्पी हों, मज़े कर रहे हों और साथ ही मेरी वीडियोस भी देख रहे हों। गाइस, जो बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, कमेंट्स आते हैं कि मैम हमें एक ऐसी रेमेडी बताइए जिससे हमारे बाल बहुत ही अच्छे लंबे घने हो जाएं। इतनी सारी रेमेडीज़ हैं बट कुछ समझ नहीं आता कि हम कौन सी रेमेडी अप्लाई करें। तो मैं आपको बताऊं, जो आपको मिलता है, जो आपके पास अवेलेबल है घर में, वो आप रेमेडी यूज़ कर सकते हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं। अदरवाइज आपको मैं ये रेमेडी बता रही हूँ जो सबके पास होता ही है, और ये रेमेडी जो ये इंग्रेडिएंट है वो आपके बालों को बिल्कुल सूट करेगा। चाहे कोई भी हो, कैसे भी स्कैल्प हो, आपके बालों को सूट करेगा ही। विद ओनली टू इंग्रेडिएंट्स ये रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ, ये शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपके बाल लंबे घने होंगे ही, आपके बाल ट्रिपल टाइम फास्टर हेयर ग्रोथ होगी, ये बाल सिल्की सॉफ्ट भी होंगे, शाइनी भी होंगे, और जो आपके अगर बालों पे स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन है, डैंड्रफ है, वो भी बिल्कुल रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए गाइस देखते हैं इस रेमेडी। तो गाइस, इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें ओनली टू इंग्रेडिएंट्स चाहिए। फर्स्ट इंग्रेडिएंट है ये आपका फ्रेश एलोवेरा जेल चाहिए आपको। फ्रेश एलोवेरा लीफ लेना है आपने, और इसे अच्छे से वॉश करके रखा है मैंने, और इसके छोटे पीस कर लीजिए ताकि ईजी हो पाए जेल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और इसके साइड के कट्स जो हैं, कांटे हैं, हमने उसको निकाल लेना है, कट कर लेना है। फिर उसके बाद ये आपके अंदर बहुत सारा ये जेल हो जाएगा। तो इसको ऐसे ऐसे करके आपने, ये देखिए कितना सारा जेल निकलेगा, जितने आपके हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग आपने ये जेल एक्सट्रैक्ट करना है। गाइस देखिए, मैंने कितना सारा ये जेल है एक्सट्रैक्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट इंग्रेडिएंट था, और सेकंड है हमारा कैस्टर ऑयल। आप किसी भी ब्रांड का कैस्टर ऑयल ले सकते हैं, आपके बालों को थिक करता है, घना करने में, थिक करने में हेल्प करता है, हेयर ग्रोथ प्रोवाइड करता है, साथ ही डैंड्रफ को कंट्रोल करता है। और जो एलोवेरा है, आप जानते ही हैं कि आप एलोवेरा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल कंट्रोल करता है आपका, आपके अगर बाल्डनेस है, बाल्ड पैचेस है, वहाँ पे भी रीग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, और जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, डैंड्रफ को भी रिमूव करता है। तो हमने ये कैस्टर ऑयल लेना है, मैं ये 2 टेबल स्पून ले रही हूँ कैस्टर ऑयल, जितना एलोवेरा है और मेरे हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग, हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गाइस देखिए, इसे मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के साथ साथ ये मैश भी कर दिया मैंने बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये लिक्विड हो गया है बिल्कुल जैसे जेल होना चाहिए। चलिए अब मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। गाइस देखिए, हमारी रेमेडी बिल्कुल रेडी हो गई है, अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे आपने अप्लाई करना है, आप इसे कॉटन बॉल से भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं हैंड से ही कर रही हूँ। गाइस मैं इसे किसी की हेल्प से आपको फिर अप्लाई करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं पूरे स्कैल्प पे मैंने अच्छे से लगवा लिया, और हेयर लेंथ पे भी लगा लिया है जो बच गया था। आपने इसे 30 मिनट्स तक ऐसे रहने देना है, या मैक्सिमम आप 1 आवर तक भी इसे रख सकते हैं। उसके बाद आपने किसी भी माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर लेना है। गाइस देखा आपने कितनी सिंपल इजी रेमेडी है। मैंने सबको बोला, हमेशा बोलती हूँ कि आप एलोवेरा घर में जरूर आप लगाएं, एलोवेरा का प्लांट घर में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि स्किन के लिए भी बेनिफिशियल है, साथ ही आपके बालों के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये देख सकते हैं आप हेयर वॉश करने के बाद इसमें कितना ज़्यादा शाइनी, आप देख सकते हैं कितने बाल कितने ज़्यादा शाइनी हो गए हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। और ये रेमेडी लगाने से आपके बाल थिक होना भी स्टार्ट हो जाते हैं, बिल्कुल थिकनेस बढ़ जाती है आपके बालों की, और इससे बाल सिल्की सॉफ्ट भी हो जाते हैं। इसे आपने 7 डेज़ का चैलेंज लेना है, 7 डेज़ का आपने 7 डेज़ का ट्रिपल हेयर ग्रोथ चैलेंज लेना है। 7 डेज़ में आपने ये 3 टाइम्स अप्लाई करना है, यानी आपने 1 वीक में 3 टाइम्स इसे अप्लाई करना है, और जैसे आपको कुछ रिजल्ट मिले, आपको अच्छा लगे रिजल्ट मिले, तो आप इसे आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। 1 मंथ के लिए इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो गाइस वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें कि आपके बालों पे इसका क्या रिजल्ट आया है। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि आने वाली अपडेट्स की, और साथ ही मेरी न्यू वीडियोज़ की। तो चलिए गाइस, मैं किसी और वीडियो मिलती हूँ किसी नई चीज़ के साथ। टिल देन।